नमस्कार, सुजाता की रसोई से में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम होटल जैसे खाना घर में ही बनाएंगे। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा और इसमें यूज़ किया हुआ सारा सामान घर में आसानी से मिल जाता है। हम बना रहे हैं आज होटल से भी अच्छी दाल मखनी और बटर नान। दाल मखनी फ्रेंड्स सबकी फेवरेट भी होती है, तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। ये 1 कप मैंने साबुत उड़द और आधा कप मैंने राजमा लिया है। इसको रात भर भिगोया था, सुबह अच्छे से धो लिया है। और ये नमक लिया है, ये देसी घी लिया है, धनिया पाउडर लिया है, आधा चम्मच जीरा लिया है, 3-4 लौंग ली है और एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का लिया है। और ये मैंने तेज पत्ता लिया है एक, इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी। ये गर्म मसाला लिया है, हल्दी पाउडर लिया है और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर लिया है, हींग ली है, 2 प्याज को मैंने बारीक काट लिया है, ये 3 टमाटर हैं इनका पेस्ट बना लेंगे, 3 हरी मिर्च को भी लंबाई में काट लिया है, 3-4 लहसुन और एक अदरक का टुकड़ा है, इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। कुछ अदरक के जूलियंस भी लिए हैं ये मैंने, बहुत बारीक काट लिए हैं। और थोड़ा सा हरा धनिया भी लिया है। सबसे पहले फ्रेंड्स कुकर में दाल को राजमा को डाल देंगे और इसमें हम 1 चम्मच के करीब नमक डाल देंगे। और फ्रेंड्स इसमें हम 1 लीटर पानी डालेंगे, एकदम परफेक्ट बनेगी, ना तो ये गाढ़ी होगी ना पतली होगी, जैसी हमें चाहिए बिल्कुल वैसी ही बनेगी। ये पानी भी हम डाल ही देंगे। अब मैंने इसको चढ़ा दिए है, इसमें हम 4 सीटी लगाएंगे मीडियम फ्लेम पर और इसे 25 मिनट हम लो फ्लेम पर पकाएंगे, तो इससे ये बहुत ज़बरदस्त बनेगी, इसे ना हमें घोटने की ज़रूरत पड़ेगी। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया बनी है, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। ऊपर से पानी डालते हैं तो फ्रेंड्स उसमें स्वाद नहीं आता बिल्कुल भी, ये एकदम से धीमी आंच पे बहुत ज़बरदस्त बनी है। ये 2 बड़ी कड़छी हम देसी घी डाल लेंगे कढ़ाई में, अभी मेल्ट हो गया है। अब इसमें दालचीनी और ये हम खड़े गरम मसाले डाल देंगे, इनको अच्छे से भून लेंगे, जलाना नहीं है, हाई फ्लेम नहीं करनी है। लहसुन को भी बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे, लाल मिर्च भी डाल देंगे, अदरक भी डाल देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स इसको बहुत अच्छे से भून लिया है, लाल हो गया है ये। और हम प्याज भी डाल दे रहे हैं, प्याज को भी बहुत अच्छी तरह से भूनना है, ध्यान रहे लहसुन कच्चा नहीं रहना चाहिए, हल्का गुलाबी हो गया है मेरा लहसुन, इसको भी बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। और हींग ऊपर से डाल दीजिएगा, जलेगी भी ना ये, खुशबू भी बहुत बढ़िया आएगी। आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाला है और आधी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर भी डाल दिया है। और ये 1 चम्मच के करीब हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे और 2 चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे। इतनी दाल के लिए मसाले एकदम परफेक्ट हैं फ्रेंड्स, इसको बहुत अच्छी तरह लो फ्लेम पर भून लेंगे, मसाले जले नहीं। जब प्याज को भूने तो फ्लेम को मीडियम कर लेना, जल्दी भून जाएगी। और टमाटर की प्यूरी भी डाल देंगे, इसको भी बहुत अच्छी तरह से मिला लेंगे, इसको हमें बहुत अच्छी तरह से मिलाना है। अब इसमें हम थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे, इससे बहुत ज़बरदस्त लगते हैं ये, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाएगा इसमें, इसको भी बहुत अच्छी तरह से मिला लूँगी। अब हम इसको ढक करके पकाएंगे जब तक घी ऊपर ना आ जाए। ये देखिए फ्रेंड्स 3 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह से मसाला भुन चुका है, घी एकदम ऊपर आ गया है, बहुत ही ज़बरदस्त बना है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। और इसमें 1 चम्मच हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे हाथ से क्रश करके। फ्रेंड्स ध्यान रहे कसूरी मेथी को हल्का सा तवे पर भून लीजिएगा, एकदम जलाना नहीं है, इससे क्या है बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी। अब इसमें हम ये दाल डाल दे रहे हैं, ये देखिए फ्रेंड्स कितनी बढ़िया ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी है इसकी, ये बहुत ही बढ़िया बनी है। आप चाहें तो अगर आपको थोड़ा पतला खाना है तो आप इसमें 1/2 गिलास पानी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे घर में सबको ऐसे ही पसंद है। ये देखिए फ्रेंड्स दाल मखनी है तो इसमें मक्खन तो पड़ेगा ही, ये मैंने मक्खन भी डाल दिया है इसमें। अब इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। अब ये मैंने सर्व कर ली है, अब इसमें हम अदरक के कुछ जूलियंस डाल देंगे, इससे ही बहुत ही बढ़िया लगती है, इसमें अदरक का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे और थोड़ी सी फ्रेंड्स अगर क्रीम नहीं है तो मलाई को थोड़ा सा फेंट करके डाल देंगे इसमें, ये देखने में भी सुंदर लगती है ये।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं बटर नान के साथ सर्व कर रही हूँ। इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी डाल रखी है। ये चावल, ये सलाद और ये हरी मिर्ची है। ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया बने हैं। मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ, देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ये। दाल मखनी बटर नान बन करके तैयार हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। और फ्रेंड्स, जब हम होटल जाते हैं तो सबसे पहले हम दाल मखनी ज़रूर ऑर्डर करते हैं, तो मैंने आज घर पर ही बना दी है ये। चाहे आप इसे चावल से खाइए, चाहे चपाती से और नान से, तो ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। अगर आपको आज की रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।